अब दो टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसका डिफरेंस पूछा जाता है, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में अंदर समझो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी एक समय पे जो टोटल लिविंग मास है, लिविंग मास, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टोटल लिविंग मास, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। यानी अभी इस क्लास में जितने भी लोग हैं, इन सब के अंदर जो भी लिविंग मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, उसको बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। और हम सब के अंदर जितना भी इनऑर्गेनिक मैटर, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। कहां गया? देख रहे हो, स्टैंडिंग क्रॉप में सारे के सारे ऑर्गेनिक मैटर। स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज मास ऑफ ऑर्गेनिक बायोमास, और स्टैंडिंग स्टेट सब में इनऑर्गेनिक। यानी हम सबके अंदर टोटल जितना भी वेट है, मसल, मांस, हड्डी, ये सब हमारा ऑर्गेनिक मास है, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। और हम सबके अंदर जितने भी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो भी आयन, इनऑर्गेनिक चीज है, उन सबको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। चलेगा? स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट बहुत पूछता है। स्टैंडिंग क्रॉप, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिक मैटर एक साल में, ऑर्गेनिक मैटर स्टैंडिंग क्रॉप, किसी भी ऑर्गेनिज्म में इनऑर्गेनिक मैटर स्टैंडिंग स्टेट। चलेगा? सर एक साल में, हाँ, यूनिट एरिया, यूनिट टाइम, किसी भी गिवन टाइम के लिए अपन बात करते हैं। कहीं लिखा होना चाहिए गिवन टाइम, हाँ लिखा तो है गिवन टाइम। ठीक है, बायोमास को अपन ड्राई वेट के तौर पे मेजर करते हैं, क्योंकि पानी में तो बहुत सारा चीज हो सकता है इनऑर्गेनिक भी। ठीक है, तो बायोमास को ड्राई वेट के तौर पे मेजर करते हैं। और स्टैंडिंग स्टेट का बात करें, इसमें बहुत सारे, ये सीजनल बेसिस पे होता है, ये बदल सकता है, कभी ज्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, कभी कम न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, उसके हिसाब से इसमें फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप, डन है? चलिए, इकोलॉजिकल पिरामिड। जब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड का, तो इकोलॉजिकल पिरामिड को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं, एक समझो कि किसी भी चीज के डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है पिरामिड। पिरामिड जैसा होता है, इजिप्ट में मिलता है ना पिरामिड, अजूबा है, दुनिया का अजूबा, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। पिरामिड में क्या होता है? मम्मी होता है, मम्मी यानी डेड बॉडी, डेड बॉडी रैप्ड इन केमिकल, केमिकल लपेट देते हैं उसके ऊपर, और वो बॉडी अभी भी उस तरह से सेफ है जो आज से पता नहीं कितने हजार साल पुराना है, आज तक डिकम्पोज नहीं हुआ। इनमें मम्मीज मिलते हैं पिरामिड से, तो ये वहां से लिया गया। नहीं देखो, नागिन देखो, तुम जो भी ओमेगा नींद देखे थे, बिल्कुल। चलिए, इकोलॉजिकल पिरामिड की अपन बात करें, इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत सारा होता है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, है ना, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास या एनर्जी, और पिरामिड ऑफ नंबर, अच्छा नंबर मिला तो क्या है, तो नंबर, बायोमास और एनर्जी। ठीक है, सबसे नीचे में अपन अक्सर प्रोड्यूसर को रखते हैं, जैसे मान लो यहां पे प्रोड्यूसर, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वार्टरली कंज्यूमर, ऐसे। ये रिप्रेजेंटेशन का सिर्फ एक तरीका है। अब एक बार पढ़ो, बेस में, हर पिरामिड के बेस में क्या है? प्रोड्यूसर, उसके ऊपर आप सेकेंडरी टर्शियरी जैसे रखते हैं। ट्रॉपिक लेवल का अगर हम बात करें, ये एक फंक्शनल लेवल है, ना कि कोई स्पीसीज। यहाँ पे प्रोड्यूसर में कुछ भी हो सकता है, गुलाब का फूल भी हो सकता है और बरगद का पेड़ भी हो सकता है, दोनों ही प्रोड्यूसर है। तो स्पीसीज नहीं होता, वो एक लेवल, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि जो भी प्रोड्यूस करेगा सब प्रोड्यूसर। ठीक, बैक्टीरिया भी आ सकता है। अच्छा, जैसे स्पैरो का अगर बात करें, तो स्पैरो को हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे, अगर मान लो कोई फ्रूट ईटिंग या सीड का बात कर रहे हो, कि भाई एक प्लांट का बीज था, उस बीज को गौरैया खा रही है, तो प्राइमरी कंज्यूमर है।
लेकिन वही गौरैया अगर कीड़ा को खा लेती, क्योंकि वो कीड़ा भी तो खाती है, तो वो तब क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है ना। पेड़ को खाया कीड़ा, कीड़ा को खाई गौरैया, तो सेकेंडरी कंज्यूमर। तो स्पीसीज डिसाइड नहीं करता, हम ये नहीं कह सकते कि गौरैया तो प्राइमरी कंज्यूमर थी, सेकेंडरी कैसे बन गई। नहीं, ये फंक्शन है, जो भी पेड़ पौधा को डायरेक्टली खाएगा वो प्राइमरी, जो भी जो पेड़ पौधा को खा रहा उसको खाएगा वो सेकेंडरी, इस तरह से। तो गौरैया अगर किसे खा रही है तो सेकेंडरी है, गौरैया अगर पेड़ पौधा खा रही है तो प्राइमरी। इसका साफ मतलब है कि स्पीसीज से फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो प्राइमरी कंज्यूमर है कि सेकेंडरी कंज्यूमर है। तीन तरह का पिरामिड अभी बात करिए, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। यहां पर ठीक है, सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर का बात करते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर अक्सर सीधा होता है बट उल्टा भी हो सकता है या स्पिंडल शेप का भी हो सकता है। मतलब सुन लो, सीधा पिरामिड ऑफ नंबर एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, सुनना। बहुत सारा घास, ठीक, प्रोड्यूसर ज्यादा है, घास से कम बकरी जो उसको खा रही है, प्राइमरी कंज्यूमर थोड़ा कम, बकरी से कम शेर जो बकरी को खा रहा है, देख रहे हो सीधा है, सीधा है अपराइट, उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, कैसे, ये स्ट्रेट का है, स्ट्रेट का एग्जांपल, शेर ज्यादा होगा, ठीक है। अब सब जो इन्वर्टेड है, उल्टा, एक बरगद का पेड़ एक ट्री है, ठीक है, उस ट्री के ऊपर खूब सारा बर्ड, मान लो 20 बर्ड कर रहे हैं, ठीक है, बर्ड्स के ऊपर भी तो पैरासाइट रहते होंगे, वो और ज्यादा होंगे, मान लो 400 कर देते हैं यार, 40 कर दो, हर चिड़िया में दो दो पैरासाइट है, उल्टा हो गया, प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर, उल्टा है, स्पिंडल से भी हो सकता है। जैसे एक पेड़ उसके ऊपर 20 बर्ड, ठीक है, और उस 20 बर्ड को खाने वाला 5 ईगल, हो गया, तो नंबर स्ट्रेट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, और स्पिंडल से छोटा बड़ा फिर छोटा, ऐसा। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लिखने का टाइम नहीं है, लेकिन जब आप वापस रिकॉर्डिंग देख के लिखोगे इसको नोट डाउन करोगे, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर ऐसा है, बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास का, बायोमास एनर्जी, ये सब इकोलॉजिकल सक्सेशन अपन बात करते, ठीक है, बायोमास देखते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी को कवर करते हैं, बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास उसी तरह का होता है, मोस्टली अपराइट होता है, कभी कभी इन्वर्टेड भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी इन्वर्टेड भी हो सकता है, सी में नॉर्मल इन्वर्टेड होता है। जैसे मान लो प्रोड्यूसर छोटी छोटी मछलियां थी, अच्छा अपराइट समझ में आ रहा है, बायोमास सबसे ज्यादा घास फूस होगा, उससे कम हर्बीवोर होंगे, सॉरी उससे कम, हाँ हर्बीवोर, उनसे भी कम कार्निवोर होंगे, तो अपराइट है। इन्वर्टेड का बात करते हैं, जरा इन्वर्टेड में बहुत सारी मछली, प्रोड्यूसर स्मॉल फिश, प्रोड्यूसर नहीं है असल में, इससे भी और एक काम करते हैं, बहुत सारा घास फूस प्लैंक्टन, पानी वाला घास फूस, मान लो 1000 है, लेकिन वो इतनी इतनी सा होता है, भले ही नंबर ज्यादा है लेकिन उसका बायोमास तो कम ही है ना, उससे ज्यादा तो 10 बड़ी बड़ी मछली का होगा खा रही है फिश, ठीक है। मान लो फिश को खा रही है कौन, सार्क, भाई 10 मछली से क्या 1000 मछली की होगी तब भी सार्क उसे बड़ा है,
तो उल्टा वाला बायोमास ये स्पिंडल से नहीं दिखेगा, नॉर्मली ऐसा दिखता है स्पिंडल से, स्पिंडल नहीं दिखता नॉर्मली। तो जमीन पे अक्सर अपराइट होता है, पानी में इन्वर्टेड भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करें पिरामिड ऑफ नंबर का, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, कई बार पूछता है, शब्द फॉलोइंग इज ऑलवेज स्ट्रेट, एनर्जी तो कभी वापस आ ही नहीं सकता, एनर्जी कभी वापस हो सकता है क्या? एक बार अगर कोई किसी को खा लिया तो भूत बनकर थोड़ी वापस खाएगा, समझ रहे हो? मान लो तुम आज चिकन खाए, अगला दिन मुर्गा आया, ना आप तुम उसको खाएंगे, वो काय खाया, पॉसिबल है नहीं? इट्स ऑलवेज अपराइट, नेवर बी इनवर्टेड, ठीक है। अच्छा एक और बात, जब भी एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल में जाता है तो 100% एनर्जी नहीं जाता, हम लोग जो पढ़े 10% जाता है, तो बाकी 90% का क्या होता है? एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होता है। कभी सुने अंडा खाने पे या नॉनवेज खाने पे बहुत ज्यादा गर्मी होता है, सब कुछ सुना? गर्मी लगता है, क्योंकि हीट लॉस होना होता है, ठीक है। वैसे ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है, बट हम आपको समझा दें, तुम लोग बुद्धू बन गए, बन जाओ, आंसर सही है, ठीक है। चलिए अब इसका कुछ ड्रॉबैक है, लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। अच्छा कभी बार क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा चीज को खाता है, जैसे वो स्पैरो का बात कर रहे थे, मान लो स्पैरो पहले खा रही थी, डेली खा रही थी बीज, आज उसको मन किया कि नहीं आज नॉनवेज खाते हैं, आज मंगलवार नहीं है, नहीं खाते हैं, आज संडे आज पार्टी करते हैं, तो जाके कीड़ा खा ली, पहले भी उसको कहा रखोगे? कल तक आप बोला था कि ये प्राइमरी कंज्यूमर है, आज बोल रहे हो कि हर संडे का संडे वो सेकेंडरी कंज्यूमर बन जा रही, ये क्या बात हुआ, समझ रहे बात? तो एक ही ऑर्गेनिज्म कई बार अलग अलग जगह पर रोल प्ले करता है, और आप एक साथ उसको हर जगह नहीं रख सकते, आप एक बार में उसको या तो प्राइमरी बनाओगे या तो सेकेंडरी बनाओगे, एक नुकसान। ये लिमिटेशन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 points 3 marks में बन सकता है, सीबीएसई वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्स इन टू अकाउंट सम स्पीसीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉपिक लेवल नहीं ले पाता है, डज नॉट टेक्स इन टू अकाउंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सिंपल फूड चेन कभी एग्जिस्ट नहीं करता ना, ऐसा थोड़ा ही होता है कि एक टिड्डा था, टिड्डा को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, और सांप को ही गल, हो सकता है टिड्डा टहल रहा था उसको कोई चिड़िया खा गई, तब क्या करिएगा, है ना, लड़ने थोड़ी जाएगा ना, तू नहीं खा सकती इसको सांप मेढक के खाएगा, तो कभी भी सिंपल फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, और उसको यहां हम नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स फूड चेन को बोलते हैं फूड वे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, इसके बोलो बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों ऐसे एनसीईआरटी में, डीकंपोजर का कोई जगह नहीं है। अब आप बताइए अगर डीकंपोजर नहीं हो तो आज तक एनर्जी बचता ही नहीं, एनर्जी जो भी हमारे बॉडी में लॉक हो रहा है वैसे ही रह जाता, कभी रिलीज ही नहीं होता। डीकंपोजर तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोगों को जगह ही नहीं दिया, लीजिए डीकंपोजर्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड, जबकि उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक। तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, चलेगा यहां तक, इकोलॉजिकल सक्सेशन आखिर खत्म कर दो, चलो इतना पर रोक देते हैं, दैट इज इट फॉर दिस क्लास।